बड़ी खबर आपको बता दें, इसराइल हमास जंग पर बोले मोहन भागवत, स्वार्थों के टकराव के कारण युद्ध हो रहा है, युद्ध रोकने का कोई उपाय नहीं, दुनिया को रास्ता नहीं दिख रहा, दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें। क्योंकि सृष्टि बनी है विविध, वो विविध ही रहेगी, विविधता में एकता कैसे आएगी उसका कोई आधार उनके पास नहीं है, और इसलिए स्वार्थ तो रहता ही है, कट्टरपन भी रहता है, उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, उसके संघर्ष चल रहे, स्वार्थों के टकराव और अतिवादिता के कारण युद्ध चलते हैं, उसका कोई उपाय नजर नहीं आता, विश्व को उसका रास्ता नहीं दिख रहा है, और उसकी भी अपेक्षा है कि भारत रास्ता दिखाए, भारत को अपने देश में इन समस्याओं का निराकरण करके रास्ता दिखाना होगा।